हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा स्टोर कीपर जॉब के बारे में। तो फ्रेंड, आपसे मैं बता दूं कि स्टोर कीपर का ऐसा जॉब रहता है, ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि मैंने टोटल आपसे बता दूं कि हर एक कंपनी में रहता है, समझ लीजिए, कोई भी कंपनी हो समझ लीजिए कि स्टोर कीपर ऐसा पोस्ट है। आपसे बता दूं कि हर कंपनी में दो चार उसका मतलब रिक्वायरमेंट, दो चार पोस्ट का रहता ही है, ठीक है ना। ये कि सीनियर स्टोर कीपर रहता है, फिर से जूनियर स्टोर कीपर रहता है, स्टोर कीपर में वहाँ पर असिस्टेंट जैसे कि हेल्पर का भी रहता है, समझ लीजिए रिक्वायरमेंट, और सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कम से कम अगर सऊदी में भी आप आ रहे हैं तो समझ लीजिए 1500 से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। 1500 से लेकर 3000 4000 जो सीनियर स्टोर कीपर है उसके लिए आपको कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश का पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरा कंप्यूटर पर ऐड करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। स्टोर कीपर में समझ लीजिए कि जितना भी मटेरियल आता है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर का भी होता है। जितना भी मटेरियल आया, कहाँ पे लगा, कहाँ पे गया, कौन सी साइट पे गया, ठीक है ना, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर का रहता है। तो ये एक ऐसा पोस्ट है, समझ लीजिए कि अगर इसमें एक आप एक बार आ जा रहे हैं, एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी आराम से जाकर और पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। और सीनियर स्टोर कीपर में चले गए तो 1 लाख रुपये से ऊपर सैलरी, ठीक है ना, महीने का, तो आप आराम से इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, समझ लीजिए।